Hi guys, this is Jian and you are watching Work at Our Job Helpful. Guys, आपके लिए एक और लोडिंग अनलोडिंग वाली जॉब्स, ये जॉब होने वाली है कुछ हार्ड वर्किंग की, कुछ अलग मेहनत की और थोड़ी हेवी वर्किंग के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाला बेल आइकॉन को टच कर लें, जिससे कि आपको नई नई जॉब के अपडेट्स जल्द से जल्दी मिले, तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, ये जॉब्स का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि गाइस, जो जो कैंडिडेट्स हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो विद इन 10 to 12 मिनट दिन, बोले तो 10 से 11 दिन, वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। हम लोगों के पास में ये जो काम्स रहते हैं, ये जो जॉब्स आती है, वो जो है मिनिमम जो है 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहती हम लोगों के पास, वो फुल हो जाती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बताऊँ आपको कि प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, आप इस जॉब के रिगार्डिंग हम लोगों से बात करते हैं, एग्जैक्ट आप कुछ बोलते नहीं है, ठीक है सर आएंगे देखेंगे, आप टिकट बना लेते हैं और 1.5 महीने बाद का 2 महीने बाद का जब आप आते हैं, उस समय या तो वहां पे जगह फुल रहती है या फिर वहां पे मतलब वो सैलरी नहीं प्रोवाइड रहती है, मतलब कुछ ना कुछ जो है उस जॉब में आपको वो देखने को मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो अभी YouTube पे आ रहा है, उसको अभी देख के अभी कॉल कर सकते हैं, अभी ज्वाइन ले सकते हैं, अभी ज्वाइनिंग हो सकती है। आप 1 महीना छोड़ के 2 महीना छोड़ के आएंगे तो उस समय हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपको उस सिचुएशन में, उस जगह में डालने के लिए। दूसरी बात, आप आ जाते हैं, टिकट बना लेते हैं, अब टिकट बनने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि नहीं भैया वो जॉब्स मेरे पास पूरी फुल हो गई है, वो काम मेरे पास पूरा फुल हो गया, मेरे पास उसमें जगह नहीं है, तो ये भी एक अजीब लगता है क्योंकि आपका टिकट बन जाता है, आप टिकट बनने के बाद फिर आपको आना ही रहता है। अब उस समय ये आपको ये बात बोलूं कि नहीं हमारे पास वो जॉब्स नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या सर आपने टिकट बनाया आने नहीं दिया। आ जाते हैं, आप जब वो अपने बेंगलोर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट हम लोगों के पास आइए, या फिर आप डायरेक्ट हम लोग जहां कंपनी में भेज रहे हैं वहां जाइए, ना कि आप दूसरी जगह जाइए। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेस्ट करके आते हैं या फिर 4 दिन रेस्ट करके आते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन का आ जाते हैं, सर मैं कल आ रहा हूँ, कल आ रही हूँ, सडनली आ जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, फिर आप लोगों के कन में डाउट हो जाता है कि सर आप इतनी दूर से बुला लेते हैं, हम लोगों को काम नहीं देते हैं। उसमें हम लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है पता आपको, कि आपको कहीं ना कहीं पे जॉब लगवाना, आपको कहीं ना कहीं पे काम दिलवाना, वहां पे क्या रहता है फिर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है। आपको काम तो मिल जाता है, हमारे यहाँ फ्री जॉब भी मिलती है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपके मन के मुताबिक उस समय काम नहीं मिल पाता है, आपका मन दुखी होता है, आप मतलब मन में क्या क्या सोचते रहते, कैसी कंपनी है, कैसी एजेंसी है, कैसी जो है वैकेंसी निकली, झूठ मूठ का बंदा को, झूठ मूठ लड़की को, झूठ मूठ हम लोगों को बुला लेता है और काम देता नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, आने से पहले एक बार कंफर्म करें और जिस दिन आए उसी दिन आप हमारे पास आए, क्योंकि हम लोग वो डाटा आगे कंपनी में भेज चुके होते हैं, सर आपके पास आज 3 लड़के आने वाले हैं। फिर वो लड़के लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन पता नहीं, अपने मन मर्जी के हिसाब से वहां पे रहते हैं। जब उनका मन भर जाता है या फिर जब वो थक जाते चारों तरफ से, तब हम लोगों के पास वापस कॉल करते हैं, सर मैं 3 दिन हो गया आके, सर मैं आऊं क्या अभी, तो उस समय वो जॉब्स अवेलेबल नहीं मिलती है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें, इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोगों के पास फिक्स बुकिंग होती है। गांव से अगर 10 कैंडिडेट्स 20 कैंडिडेट्स आ रहे हैं होटल काम के लिए, तो वो उस काम के लिए फिक्स है, हम उसमें कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं कर सकते हैं। सुबह से शाम हम लोग के पास कितने कॉल आते हैं, लेकिन हम लोग उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका जवाब देते हैं, न कि उनको केयरली लेते हैं। जब आपका टिकट बन जाता है, आपका टिकट का फोटो हम लोगों के पास आ जाता है, तब हम लोग आपके फोन का आपका जो अच्छे से केयरली लेते हैं कि नहीं बंदा आने वाला है, बंदे का टिकट बन गया है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ख्याल रखें। एनीवे गाइस,
आज की ये जॉब होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों के लिए थोड़ी हार्ड वर्किंग की। जो जो कैंडिडेट्स हार्ड वर्क करने वाले हैं, हट्टे कट्टे हैं, जो चाहते हैं कि सर मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी एज थोड़ी ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, मुझे कहीं पे काम नहीं मिल रहा है और मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तो गाइस वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आज की ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है, हार्ड वर्क वालों के लिए है, मेहनत करने वालों के लिए है और अनपढ़ वालों के लिए है। इसमें पढ़े लिखे कोई जरूरत नहीं है, आप अगर 30-35 के साल के हैं तो भी चलेगा इस जॉब के लिए, लैंग्वेज आपकी कौन सी भी है तो भी चलेगा इस जॉब के लिए। एक्चुअली जॉब होने वाली है लोडिंग अनलोडिंग की। अब लोडिंग अनलोडिंग में जो रहता है कि काफी कैंडिडेट्स के माइंड में यही आता है कि सर क्या फ्लिपकार्ट का है क्या, क्या सर जो है अमेजोन का है क्या, उनके माइंड क्या रहता है कि एक कंपनी, जब भी कैंडिडेट्स का कॉल आता है सर कंपनी में जॉब है क्या, अब मुझे एक बात बताइए कि ये कंपनी क्या होती है। मैं आज तक जो है ये कंपनी को समझ नहीं पाया हूँ, ये कंपनी क्या होती है भाई। एक छोटा रेस्टोरेंट भी कंपनी होता है, एक छोटी होटल भी कंपनी होती है, एक छोटा ऑफिस भी कंपनी होता है। अब कंपनी का क्या मतलब है, जहां हम लोग आपको काम पे भेज रहे हैं वो भी तो एक कंपनी है, बस पता नहीं उनके माइंड में क्या फिक्स रहता है कि सर कंपनी में काम है क्या। अरे भाई सब कंपनी ही है, कोई जो है अपने घर में या अपने जो है ऑफिस में कोई भी जॉब या काम नहीं देता है, सब कंपनी में ही रेफर करते हैं, सब कंपनी में ही भेजते हैं काम के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी तो ये कंपनी नहीं है, कंपनी ही है आपके हिसाब से, कंपनी है ये मेरे हिसाब से कंपनी है। तो ये जो होने वाली है लोडिंग अनलोडिंग की, अनलोडिंग अनलोडिंग में ये कहा रहेगा कि ऑनियन पोटैटो, आलू प्याज का जो गोडाउन रहता बड़ा बड़ा, जहां होलसेल रेट में ऑनियन पोटैटो बिकते हैं, जहां होलसेल रेट में ऑनियन पोटैटो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसके गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग का काम है। ये थोड़ा हेवी वर्क है, 20 किलो 25 किलो 50 किलो का थोड़ा ज्यादा बोरा आता है, उसको जो उठा के इधर उधर करना रहता है, इसमें थोड़ा हेवी वर्क रहता है, लेकिन इसमें पेमेंट अच्छा रहता है, पेमेंट बढ़ने का चांसेस रहता है और लाइफ टाइम काम रहता है इस जॉब में। दूसरी बात है कि इसमें अनपढ़ भी चलता है, जो बेचारे धूप में गांव में जो है ईटा चूना पत्थर का काम करते हैं उससे तो थोड़ा काफी अच्छा काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी मिलती है इसमें। तो ये जो है अपना बड़ा बड़ा बोरा रहता है, जो बड़ा बड़ा बोरी जो में रहता है ना, जो बड़े बड़े जो बैग रहते हैं 20 किलो 25 किलो का, उन वो बैग्स को उठाना रहता है, इधर उधर करना रहता है, उसको जो है धूप में सुखाना रहता है, उसको जो है अच्छे से देखभाल करना रहता है, उसको लोडिंग करना रहता है, उसको अनलोडिंग करना रहता है, वही सब काम रहता है। कहाँ पे, जो बड़े बड़े गोडाउन से ऑनियन के, पोटैटोस के, टमाटोस के, ऑनियंस के, कहने का मतलब वेजिटेरियंस गोडाउन, जो बड़े बड़े वेजिटेबल के गोडाउन है, सब्जी के जो बड़े बड़े मार्केट में गोडाउन है, वहां पे जरूरत है कैंडिडेट्स लोगों की। रिक्वायरमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में 25 से 30 कैंडिडेट्स है, लोकेशन है बेंगलोर, बेंगलोर में। अब इसमें टाइमिंग और सैलरी क्या रहने वाली है, टाइमिंग आने वाला है इसमें सुबह 6 बजे से लगाकर शाम के 3 बजे, सॉरी दोपहर के 3 बजे, सुबह 6 बजे से लगाकर दोपहर के 3 बजे तक। अब ऑनियन पोटैटोस का जो मार्केट लगता है ना, जो मंडी लगती है ना, वो सुबह के टाइम उनका सेलिंग का काम ज्यादा रहता है, मॉर्निंग के टाइम उनका काम थोड़ा अच्छा ज्यादा चलता है, तो उनका काम जो मॉर्निंग अच्छा रहता है, तो यहाँ पे उनका टाइमिंग रहता है सुबह 6 बजे से। बंदा जो है सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उठता है, नहा धो के ब्रश रश करके गोडाउन में जाता है, गोडाउन में जाके क्या उनको करना रहता है क्या नहीं करना था वो सारा अच्छे से रहता है समझा दिया जाएगा, तो वहां जाके काम करना रहेगा। टाइमिंग जैसे मैंने बताया सुबह 6 बजे से लगाकर दोपहर के 3 बजे तक, 3 बजे के बाद आप फ्री हैं, 3 बजे के बाद आपके कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, आपका कोई भी काम नहीं रहेगा, 3 बजे के बाद आप फ्री हैं। हफ्ते का एक छुट्टी मिलेगा, वीकली एक छुट्टी रहेगी, इसके अलावा कंपनी की तरफ से रूम फ्री रहेगा, इसके अलावा सैलरी होने वाली है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये प्लस रूम फ्री, टाइमिंग सुबह 6 से लगाकर दोपहर के 3 बजे तक, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर जेंट्स के लिए है। जो हट्टे कट्टे आदमी है, जो
चाहता है कि सर मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आता, मेरी एज भी ज्यादा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो बंदा मुझे फोन कर सकता है। लिमिटेड सीट्स हैं, 20 से 25 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ ज्यादा है नहीं, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी जॉब पाएंगे। हम लोगों के पास हमेशा फ्री जॉब रहता है, इसलिए हम लोगों के पास एक हफ्ता 10 दिन लास्ट से लास्ट चलता जॉब है, उससे ज्यादा हम लोगों के पास खाली नहीं रहता है। रीजन मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग के पास फ्री जॉब रहता है, हम लोग के पास पेड जॉब नहीं रहता है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब रहती है। हम पूरी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको साथ में लेके जाके अच्छे से गाइड करके वहाँ पे काम पे लगवाते हैं, प्लस वहाँ से आपको अच्छी से सैलरी दिलवाते हैं। हम लोग सिर्फ जो है वहाँ भेज के अपना जो है आपसे पैसा लेके बैठने वाले नहीं हैं। ये चैनल और ये कंपनी आप लोगों की है, आप लोगों ने खड़ी की है और आप लोगों के द्वारा ही चलने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को लूटने वाला काम नहीं होता है, यहाँ पे आप लोगों के साथ धोखा देने वाला काम नहीं होता है। मैं काफ़ी सारी कंपनियों को देखता हूँ, काफ़ी सारे जो मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं लड़के लोगों को सर XYZ एजेंसी ने XYZ कंपनी में हम लोगों को लूट लिया है, पैसा ले लिया ज्वाइनिंग फॉर्म का, और जो है 2 महीना काम करवाया, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, वो हमको काम से निकाल दिया। रिसेंटली किस्सा बता रहा हूँ, रिसेंटली किस्सा अभी जो एक किताब 2 दिन पहले हम लोगों के पास जो है एक मैसेज आया था कि सर हम 8 आदमी हैं, 8 आदमी का उस कंपनी ने हम लोगों से 4,000 रुपये लिया था, 1 आदमी का 4,000 रुपये, 8 आदमी का कितना समझ लीजिए कि जो है क्या मतलब 8 आदमी का पेमेंट लिया था हम लोगों को, 1 आदमी का 4,000 के हिसाब से, और वो कंपनी को हम लोगों को 2 महीने ही काम दिया, उसके बाद जो घर भेज दिया कि आपका काम नहीं है करके। अब बताइए सर हम लोग फंस गए हैं, हम लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसी बात है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बोला था, इस वीडियो में भी आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री जॉब देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ही कंपनी फ्री जॉब देती है आपको, नहीं, आपको और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो बड़े बड़े लेवल में, मार्केट लेवल में अच्छी जगह बना के बैठे हैं, वो भी फ्री जॉब देते हैं। वहां जाइए, ट्राई कीजिए, हम लोगों के पास आइए, हम लोग दिलवाएंगे, क्यों आप जो उनके चक्कर में पड़ते हैं। वो लोग लूटते हैं आपको, आपको कभी ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम से लूटेंगे, आपको कभी फैमिली के नाम पे लूटेंगे, आपको कभी ट्रस्ट के नाम पे लूटेंगे, आपको कभी विश्वास के नाम पे लूटेंगे। कहने का मतलब है कि उनका फंडा यही है, बंदा मिला तो नहीं बस लूटना चालू। काफी एजेंसी ऐसी भी रहती है जो पूरा बायोडाटा अपना दे देती है, अपना बड़ा चढ़ा के बोलती है हम लोग ये फ्री देंगे, हम लोग वो फ्री देंगे, हम लोग रूम फ्री देंगे, हम लोग खाना फ्री देंगे, हम लोग 18,000 शेयर देंगे, हम लोग 20,000 शेयर दे देंगे, और वीडियो के एंड में क्या बोलते पता है, सिर्फ और सिर्फ 2,000, सिर्फ और सिर्फ 1,000, सिर्फ और सिर्फ 4,000 दीजिए, आपका 1 महीने में रिफंड होगा, आपका 1 साल में रिफंड होगा, आपका 3 महीने में पैसा वापस कर दिया जाएगा। नहीं गाइस, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार वहां जाके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है, आपको खुद को पता चल जाएगा। नहीं कोई रिफंड करता है, एक बार अगर उनके पैसे में जेब में पैसा चला गया तो कोई रिफंड नहीं करता है पैसा, कोई भी देने वाला नहीं है आपका पैसा। तो फ्रेंड्स इसलिए हम हर वीडियो में, हर एक अपने वीडियो में यही बोलते हैं कि उनसे बचें, उनसे बच के रहें, अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। अगर आप 10 बंदे हैं, अगर आप 20 बंदे हैं, तो एक बंदे का 3,000 के हिसाब से 10 बंदे का 30,000 रुपये होता है। और मैं यही बात बोलता हूँ कि 30,000-40,000 रुपये जो है ना बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 3,000-4,000 उनको बचा के रखें। हम लोग के पास फ्री जॉब्स रहती है ना, अभी ये जॉब्स मैं बता रहा हूँ आपको कि जो है इसमें रूम फ्री मिलता है, खाना फ्री नहीं मिलता है। जहाँ आप 3,000-4,000 ज्वाइनिंग फॉर्म का देते हैं, वही 3,000 आप खाने को में यूज कीजिए ना वहाँ पे, तो आपकी ग्रोथ ही होती है ना। वहाँ पे 1 महीना काम करेंगे, 2 महीना काम करेंगे, 6 महीना काम करेंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है ना। तो ऐसी जगह जाइए मेरे भाई। तो गाइस ये जॉब्स, एक और फुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको लास्ट में, ये जॉब होने वाली है हार्ड वर्किंग वालों के लिए होने वाली, मेहनत करने वालों के लिए होने वाली, जो हट्टे कट्टे हैं, जो काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए होने वाली ये जॉब है। इस जॉब में अनपेड की रिक्वायरमेंट है, इस जॉब में ज्यादा एज वाला भी चलता है, काम रहता है बड़े बड़े आलू प्याज के गोडाउन में, जो बड़ा बड़ा बैग आता है 20 किलो 25 किलो 15 किलो 30 किलो का, उनको वहां से यहाँ, यहाँ से वहां
लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा, कंपनी की तरफ से 15,000 सैलरी फिक्स रहेगी, इसके अलावा कंपनी की तरफ से रूम फ्री दिया जाएगा, इसके अलावा 6 महीने में आपकी सैलरी बढ़ती है, इसके अलावा अगर आप अच्छे काम करते हैं दोपहर का खाना भी कभी कभार उनकी तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा टाइमिंग जैसे मैंने बताया सुबह जो है 6 बजे से लगाकर शाम के 3 बजे तक रहता है। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनको कुछ काम के रिलेटेड काम के हिसाब से मदद मिल सके। तो गाइस एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मैं हाजिर होता हूँ कुछ और नई जॉब अपडेट्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड